ये रेसिपी आपने ट्राई नहीं की तो ज़िंदगी में आपने ट्राई ही क्या किया है। ये रेसिपी बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कैसी बनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मास्टर डी व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और पहली मरतबा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की यमी यमी डिशेस की रेसिपीज़ मिलती रहे जब भी मैं कोई न्यू रेसिपीज़ अपलोड करूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसी रेसिपी जो कहीं पर भी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। इसका नाम है ब्रोस्ट चिकन पुलाव। और ये पुलाव इतना मज़े का है कि आप उंगलियाँ चाटेंगे अपनी और मुझे कहेंगे वाह क्या रेसिपी थी। और ले जी, हम लोगों ने सबसे पहले ले लिया है 1.5 kg चिकन। मैंने लिया है बोन वाला क्योंकि हमारे घर में सबको बोन वाला पसंद है और टेस्ट में इसी में बहुत ज़्यादा बनता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस चिकन को 1 लीटर पानी में शामिल करके उसमें हम तमाम अपने मसाला जात जो हैं वो शामिल कर लेंगे और इसको 30 से 35 मिनट तक हम अच्छे से बॉयल करेंगे। और रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लें, ठीक है। और ये रहा, अब चिकन में तमाम मसाले डाल दिए हैं, अभी मैं कवर कर देंगे और आफ्टर 30 मिनट हम देख रहे हैं कि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से बॉईल हो चुका है। यहाँ पर मैं एक जो है वो लेग पीस निकाल कर उसको बोटी को चेक किया है कि वो टेंडर हो चुकी है कि नहीं। इस तरह जो हम यह क्या करेंगे, तमाम जो चिकन है उसको बाउल में निकाल लेंगे और एक ट्रे पे फैला देंगे ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से ठंडा हो जाए। अब हम अपने ब्रोस्ट चिकन की कोटिंग रेडी करेंगे। हमने लिया है दही, उसमें जड़ा मिर्च शामिल किया है और ये नेशनल का लिया था मैंने ब्रोस्ट का मसाला, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसमें अच्छे से मिक्स करके जब हमारा चिकन ठंडा हो जाएगा तमाम चिकन को अच्छे से कोट कर लेंगे इस तरह जैसे मैं कर रही हूँ। आप इसी तरह सेम कीजिएगा स्टेप, और जैसे मैं कहूँगी जैसे ही स्टेप्स हैं वैसे ही फॉलो कीजिएगा और कोई भी इंग्रेडिएंट मिस ना करें, ठीक है। आपकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस होगी। अच्छा, मैं इसको ट्रे पर इस तरह इसलिए रख रही हूँ, इसके बाद इसे मैं फ़ैन के नीचे रखूँगी ताकि जो हमारा दही है वो अच्छे से जो ना वो खुश्क हो जाए हमारे चिकन के ऊपर, अच्छे से कोटेड रहे, ठीक है। उस जब तक हमारा चिकन जो है वो ड्राई होता है दही के साथ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हमारा पुलाव रेडी कर लेंगे। जो चिकन हमने बॉईल किया था उसकी जो जखनी है वो हम अपने इस पुलाव में शामिल करेंगे। सबसे पहले जो प्याज है उसको लाइट ब्राउन कर लें और इसमें थोड़े से ये टमाटर, थोड़ा सा गार्लिक अदरक का पेस्ट डाल लें और अच्छे से फ्राई कर लें। अरे मेरे अल्फाज ही मुंह में फंसना शुरू हो गए। चलें जी, ये मसाले डाल दिए हैं मैंने, और धनिया डाल दिया है, पुलाव मसाला डाल दिया है, गर्म मसाला डाल दिया है, ज़ीरा पाउडर डाल दिया है, ठीक है। अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे वो यखनी जिसमें हमने अपना चिकन बॉईल किया था, ठीक है। यहाँ आपने याद आया 3 टेबलस्पून दही भी शामिल करना है जिससे जो है वो राइस जो है वो बड़ा ही खिला खिला बनता है, ठीक है। चावल जो वो ज़्यादा नरम हो जाए तो तब भी मज़ा नहीं आता, और बिल्कुल हार्ड हो तब भी मज़ा नहीं आता। जो दही है वो एक कह लें एक सीक्रेट इन्ग्रीडियंट होता है कि वो आपके राइस को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। चलें जी, यहाँ पे मैंने जो है वो यखनी जो थी स्टोर कर ली थी वो डाल दी है और इसको हम ढक देंगे और इसके बाद पानी के जैसे ही बॉयल आएगा हम इसमें राइस शामिल कर देंगे। राइस जो है शामिल कर दी है, पोजीशन है 75% जो है वो गल चुका था, इसको हम दम पे लगा देंगे। और यहाँ पे रहा हमारा चिकन, वो आप देख सकते हैं मैंने करीब से फोकस किया, जो दही है वो जम चुका है, आप फोकस करें, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 3 से 4 एग जो है वो बीट करेंगे, उसको अच्छे से हम जो चिकन है वो कोट करेंगे और कोट करने के साथ गर्मा गर्म ऑयल में शामिल करेंगे और इन्हें लाइट ब्राउन होने तक इन्हें अच्छे से फ्राई करेंगे। ईद आ रही है और ईद के मौके पर ये रेसिपी ट्राई करें ईद पर और सबका दिल जीत लें, कसम से दिल जीत लेंगे आप, ट्राई ज़रूर करिएगा। Yeah.
और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चिकन है वो कितना ही अच्छा और खूबसूरत कलर का हो गया है, गोल्डन। ठीक है, आपको फोकस करके नज़दीक करके भी दिखाएंगे कि ये कितना अच्छा और बहुत ही यम्मी, देखने में इतना यम्मी लग रहा है आपको। वीडियो में मुझे बनाने में बहुत मज़ा आता है ये रेसिपी, और फेमस रेसिपी है मेरी ये फैमिली की। और आप रेसिपी को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।